Investments in securities market, especially futures and options, are subject to market risks. Please read all the related documents and consult your financial advisor before investing or trading. Options are highly leveraged instruments and carry substantial risk. Please do not blindly take trading decisions based on this video. नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। हितांशु बग्गा है मेरा नाम और स्वागत है आपका हमारे इस वीकली सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे कि पिछले हफ्ते हमारे मार्केट्स में क्या मूव्स आए और मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की डिटेल्ड ऑप्शन चेन और चार्ट्स को भी एनालाइज करके दिखाऊंगा और हम उससे ये अनुमान लगाएंगे कि अगले हफ्ते हम मार्केट्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उससे हम हमारे ट्रेड्स को कैसे डिप्लॉय, मैनेज या स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। तो ये पिछले हफ्ते में इस साल का सबसे बड़ा इवेंट हुआ जिसपे हमें थर्सडे को रिएक्ट करना था और उसके पहले देखिए मंडे से लेके वेडनेसडे तक हमारे मार्केट्स एकदम दायरे बंद, एकदम एक छोटे रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहे थे। और हाँ, बैंक निफ्टी एक शेड बेटर था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक की वीडियो में भी डिस्कस किया था, वहाँ से बाय सिग्नल्स आ चुके थे और बैंक निफ्टी से तो हमें तेजी के ही सिग्नल्स इस हफ्ते भी आए। और फिर वेडनेसडे रात को यूएस फेड ने फाइनली एक बम्पर रेट कट अनाउंस कर दिया 0.5% का। और फिर थर्सडे के दिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिग गैप अप और अ गैप डाउन, बट वो एक्चुअली हुआ नहीं थर्सडे को, बल्कि मार्केट स्लाइटली गैप अप हुआ और उसके बाद वहाँ से थोड़ा नीचे आके उसने कंसोलिडेट ही किया। और जो मूव आनी थी ना, जो थर्सडे की एक्सपेक्टेशन थी, वो शायद से मार्केट ने फ्राइडे के लिए रिजर्व करके रखी थी। और फ्राइडे के सेशन में तो भैया मैं क्या ही बात करूँ, बाबा बाबा बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी, कभी अप कभी डाउन, इतनी वॉलीटिलिटी थी। एट वन पॉइंट फ्रॉम द हाई निफ्टी फेल 310 पॉइंट्स और एक ही 15 मिनट्स के कैंडल में, और फिर वहां से 350 पॉइंट रिकवर करके एक न्यू हाई लगाया। अब थैंकफुली फ्राइडे रात को यूएस मार्केट्स में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, जिसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा शांत है, 70-80 पॉइंट दिखा रहा है, दैट्स ओके। अब हमें लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीक। और हमारा ना वीक्स भी एकदम कंफर्टेबल स्पॉट पर ट्रेड कर रहा है, बिलो 13, और यूजली 15 के नीचे का जो वीक्स होता है ना, दैट इंडिकेट्स अ बुल मार्केट। अब चलो, ये फेड रेट की अनसर्टेनिटी का मैटर तो खत्म हो गया है अभी के लिए, तो ट्रेडर्स अपने एक नए क्यूज खोदना शुरू कर दिए हैं और अब नेक्स्ट क्यूज जो कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है, वो हमारा बाजार जो है वो फैक्टर इन करने की शुरुआत करेंगे, वो है स्टेट इलेक्शंस एंड लाइकवाइज यूएस मार्केट्स के इलेक्शंस जो कि नवंबर में है। अब ये स्टेट इलेक्शंस जो है वो हमारे नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स चालू हो जाएंगे एंड अबाउट 4 या 5 स्टेट्स के इलेक्शन है, आई थिंक हरियाणा इज द फर्स्ट। सो इस टाइम एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो के बीजेपी की एक स्ट्रेंथ का ये टेस्ट होएगा, तो दैट इज समथिंग दैट यू नो बाजार एंड ऑल द ट्रेडर्स विल लाइक टू फैक्टर इन। अब नेक्स्ट वीक के क्यूज के हिसाब से काफ़ी सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीच लाइंड अप है, क्योंकि वो जो फेड की मीटिंग हुई उसकी बाद जो कूलिंग पीरियड होता है वो खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा जो इतने इतने सब फेड ऑफिशियल्स की स्पीच है उसमें से मार्केट कोई भी न्यूज़ फ्लो आती है और उस पर लैच ऑन करता है। और आप यूएस मार्केट्स की चार्ट को भी स्टडी करोगे ना, तो उनके तीनों ही इंडिसेस एक बहुत स्ट्रांग अपट्रेंड में है और लास्ट के 3-4 हफ्तों के कंसोलिडेशन रेंज से ये तीनों ही इंडिसेस में एक ब्रेकआउट आया है और सभी अपने रिस्पेक्टिव ऑल टाइम हाइज के आसपास है। हाँ, फ्राइडे के ट्रेडिंग के सेशन में उन्होंने भी कंसोलिडेट किया ही है और वो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, उनके मार्केट्स ने अभी एक बड़े इवेंट को डाइजेस्ट किया है और जो प्राइस एक्शन आना था ना वो अब फैक्टर इन हो चुका है, तो उनके मार्केट्स और ट्रेडर्स भी अब फर्दर ट्रिगर के लिए कुछ यू नो इकोनॉमिक डेटा या कुछ इकोनॉमी से कुछ दूसरे आते हैं वैसे ट्रिगर्स ढूंढेंगे फॉर फर्दर मूवमेंट, मगर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड है अभी के हिसाब से, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। मगर क्या सब कुछ पॉजिटिव ही है मार्केट्स में और क्या हम एक वो क्या बोलते हैं गोल्डीलॉक सिनेरियो में आ गए हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में क्रूड में एक पॉजिटिव प्ले आते हुए दिख रहा है, आप क्रूड की चार्ट्स को देख लीजिए और हमें इसे वॉचआउट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको काफ़ी बार इस चैनल पर बताया है, अगर क्रूड में एक बड़ी मूवमेंट आती है और वो जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है वो उसे ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके, तो फिर एक दैट वुड बी रियली बैड फॉर द ग्लोबल मार्केट्स एंड द यूएस मार्केट्स,
और मिडिल ईस्ट के में टेंशन तो अभी बढ़ते ही जा रहा है। उन कभी हिजबुल्ला के पेजर्स ब्लास्ट हो रहे हैं, फिर उनके वॉकी टॉकीज भी एक्सप्लोड हो गए, और अब हिजबुल्ला ने कसम खाई है कि हम रिटेलिएट करेंगे इसराइल के खिलाफ। तो इस ये सब ये एंगल से ना हमें वॉच आउट करना पड़ेगा कि क्या ब्रेकआउट आता है क्रूड प्राइस पे, क्योंकि मैंने आपको जैसे इस चैनल पे काफ़ी बार बताया है, अगर यूएस रिसेशन में जाएगा, अगर इज द कीवर्ड, अगर वो जाएगा तो क्रूड का उसमें सबसे बड़ा हाथ होएगा। तो वी विल हैव टू कीप अ वॉच ऑन दैट। अब FII बाय सेल डेटा की बात करें तो अब गाड़ी पटरी पे उतरते हुए दिख रही है FIS के ओर से, और उन्होंने इस हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली 11,500 करोड़ रुपए की बाइंग की है हमारे बाजार में, और DIS ने 600 करोड़ की सेलिंग करी है। यूजली ये FIS मोमेंटम चेजर्स होते हैं, राइट, एंड DIS आर बुकिंग प्रॉफिट, जो कि मार्केट टॉपिंग का एक साइन होता है। अब DIS की बात कर रहे हैं तो एक न्यूज़ ऐसी भी आई है कि अप्रॉक्सीमेटली 5 बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा के कैश पाइल पे बैठे हुए हैं, एंड कलेक्टिवली पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 1.86 लाख करोड़ रुपीज के कैश पाइल पे बैठा है। और ये ऐसा है क्योंकि मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशंस आर ओवर द रूफ एंड एवरीथिंग अपीयर्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव, और मेरे हिसाब से DIS यूजली जब प्रॉफिट्स बुक आउट करना चालू करते हैं ना, वो एक मार्केट का टॉपिंग साइन होता है। आप ये भी सोच के देखिए ना कि उनके पास इतना है, 1.86 लाख करोड़ रुपीज़ के साथ वो बैठे हैं, बट वो डिप्लॉय नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते, तो उनके मन में कुछ तो एक शंका होगी ना, या कुछ तो एक डाउट होगा। तो दिस इज ऑल्सो वन सेकेंड पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था कि सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। हाँ, हमारा बाजार जो है वो ऑल टाइम हाईज पे है, बट इधर ओवरली बुलिश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच के क्या होता है। और आप नोट करिएगा इसमें कि मैं आपको लॉक स्टॉक एंड बैरल सब कुछ बेच के एग्जिट करने को नहीं बोल रहा हूँ, मगर जो फालतू की बुलिशनेस होती है ना, उससे मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक वी नीड टू बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, वो क्या बोलते हैं, सतर्कतापूर्वक आशावादी होने की हमें ज़रूरत है हमारे बाजार में। सो लेट्स सी क्या होता है। तो आइए अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं चार्ट्स भी और ऑप्शन चेन भी आपको एनालाइज करके बताऊंगा, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारी निफ्टी की चार्ट है, 30 मिनट टाइम फ्रेम है जो हम देखते हैं। अब इसमें आपको जैसे कि दिख रहा है कि मार्केट में लास्ट थर्सडे को एक अपमूव आया था, और उसके बाद ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन में ही रहा है मार्केट में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि थर्सडे को गैप अप हुआ था और कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद फ्राइडे को वापस ये अपमूव कंसोलिडेशन वॉलिटिलिटी और वापस अपमूव आई है। तो देखिए आप, ये जो इतने टाइम से इतना बड़ा कंसोलिडेशन जोन जो बन चुका है, वो मैं मार्क कर लेता हूँ एक पैरेलल चैनल से, पैरेलल चैनल। तो ये जो कंसोलिडेशन का जोन है, ये जो मार्क हो चुका है, दिस वुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट, क्योंकि मार्केट आप जैसे देख सकते हो नीचे गया, ऊपर आया, इधर कंसोलिडेट हुआ है, और एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करके वापस रीटेस्ट करके ऊपर गया है। तो अब इसकी वजह से अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो ये जो लेवल है 25,400 से लेके ये जोन का मिड पॉइंट हम पकड़ सकते हैं 25,391, दिस वुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट। रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो, हम एक अप ट्रेंड में है तो, और ऑल टाइम हाईस पे है, देयरफॉर रेजिस्टेंस तो निकालना इज डिफिकल्ट, बट हम फिबोनाची टूल्स के को एनालाइज करके उसका यूज करके हम एक बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो हम एक फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जो लास्ट अपमूव आई थी मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ पे, फिर देखिए करेक्शन आया, तो ये एक लास्ट लेग ऑफ द रैली है, राइट। तो यहाँ से हम फिबोनाची लेवल्स प्लॉट करते हैं, तो आपको ये दिख रहा है कि देखिए ये जो हमारा 0.38% है, उसके ऊपर उसने सपोर्ट भी लेके गया है। देयरफॉर वी कैन अप्लाई द फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड सी व्हाट द मार्केट इज गोइंग और वेयर इट वांट्स टू गो। देयरफॉर ये जो लोस था, यहाँ से इसके हाईज पे लगा के, और ये इसके जो कंसोलिडेशन जोन था जहाँ पे अप्रोक्सीमेट को सपोर्ट ले रहा था, तो इसको अगर हम प्लॉट करके देखेंगे तो देखिए अभी ऑलमोस्ट तो पूरा रैली खत्म हो चुका है। जो इसका फाइनल लेग पॉइंट दिख रहा है वो 26,038, ये आपको इस तरफ पे लेवल्स दिख रहे हैं 26,038। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, इवन दी ऑप्शन चेन एनालाइज करेंगे तो 26,000 पे क्या हो रहा है वो देखेंगे हम लोग। 26,000 एक राउंड फिगर भी है, और ये फिप बेस्ड एक्सटेंशन का भी एक रेजिस्टेंस यहीं पे आ रहा है। इसी प्रकार से हम बैंक निफ्टी को अगर एनालाइज करते हैं, तो बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट यही है, ये देखिए लास्ट वीक ऑनवर्ड्स ही ये इसमें अप ट्रेंड है, लास्ट मंडे से ही इसमें अप ट्रेंड चल रहा है। दिस वीक वाज आल्सो वन वे मूव। अब इसमें वही जो है
फिबोनाची लेवल्स नहीं लगा सकते हम, क्योंकि मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। आपको अगर चाहिए तो ये फिबोनाची लेवल्स कब कहाँ कैसे यूज करने हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन के द्वारा बताइए। तो फिबोनाची लेवल्स पे भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा एंड आई यूज दैट अलॉट बिकॉज मार्केट में एक रैली नहीं रैली ही चल रही है, वहां से कंसोलिडेशन होके नहीं हुआ है, कंसोलिडेशन होके रिट्रेस वापस नहीं हुआ है जहां पे हम फिब एक्सटेंशन लगा सके, उसके वजह से आप देखेंगे तो ये तो कम्प्लीटली ऑल टाइम हाई पे है। अब मंडे ट्यूसडे हमको देखना पड़ेगा क्या होता है इसमें, क्योंकि हमको एक कंसोलिडेशन जोन जो ये दिख रहा है विच इज 51,000 जो 54,000 पे मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी का, तो ये लेवल बहुत नीचे है, उसकी वजह से हम यहाँ पे एक ये टूल यूज कर सकते हैं जो जिसे हम रिग्रेशन चैनल बोलते हैं। आपने देखा भी होगा कि मैं काफी यूज करता हूँ रिग्रेशन ट्रेंड फ्रॉम द बॉटम से लेके अगर टॉप पे हम लगाते हैं तो यू कैन सी के जो हमारा है इसके ऊपर देखो उसने एक बार इधर रेजिस्टेंस लिया और कंसोलिडेट हुआ है, अब वापस ये उसके ऊपर ट्रेड हुआ है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट होके और ऊपर जाएगा, बट ऑलरेडी इसका जो एंगल है आप देखेंगे मोर देन अबाउट 45 डिग्रीज का एंगल दिख रहा है, तो इतना तो अप ट्रेंड चलेगा नहीं। अब मार्केट में जैसे हमने देखा कि डाउनवर्ड भी, मैंने आपको बोला कि डाउनवर्ड ज्यादा ये नहीं है, उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि रिवर्स हो जाएगा, एक टाइम वाइज करेक्शन भी हो सकता है। अब आते हैं आई चार्ट पे, हम ऑप्शन को भी ऑप्शन चेन को भी एनालाइज कर लेते हैं, सॉरी ऑप्शंस ऑप्शन चेन। सो ये है निफ्टी की 26 सितंबर की चार्ट। अभी इस पे अगर आप कॉल साइड पे देखेंगे तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट तो हमें 26,000 पे दिख रहा है, बट जो एट द मनी है उस पे देखिए सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 53,41,000 का। देयरफॉर एट द मनी कॉल्स ही बहुत राइट हुए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना कि इसको देखो 128 रुपीज का प्रीमियम है, इसको बेच करके इसको हेज करेंगे। अगर आपको डिटेल एनालिसिस और चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, वील टॉक अबाउट दैट। और पुट साइड पे अगर देखेंगे तो 25,500 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है एंड सेकेंड मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 25,700 पे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए 25,700 ऑन द पुट साइड एंड 25,800 ऑन द कॉल साइड, जो बहुत खाली 100 पॉइंट की रेंज है, इसमें मैक्सिमम राइटिंग हुई हुई है, विच आई फील इज बहुत एक छोटा रेंज है, और इसकी वजह से अगर इसमें एक्सप्लोजन होता है तो बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हो सकती है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आए तो आपको देखिए मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट सॉरी बैंक निफ्टी सबमिट बैंक निफ्टी की चेन पे आए ऑप्शन चेन पे आए तो आपको दिखेगा कि ये देखिए 53,500 पे वॉल्यूम भी कितना ज्यादा हुआ है, मैक्सिमम हुआ है आपका 54,000 पे है, बट सेकंड मैक्सिमम देखिए आप 53,500 पे है। अब आप पुट साइड पे अगर इसको एनालाइज करेंगे तो मैक्सिमम हुआ है 53,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है, बट सेकंड मैक्सिमम 53,500 पे। उसके लिए ये और ये जो है आपको दिखेगा कि इधर स्ट्रैडल्स राइट होते हुए दिख रहे हैं हमको, यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल साइड पे एंड पुट साइड पे देखिए नंबर भी इक्वल है, देयरफॉर स्ट्रैडल्स हैव बीन रिटन इन बैंक निफ्टी, जो एक कंसोलिडेशन की प्रक्रिया को व्यतीत करता है कि इस वीक कंसोलिडेशन हो सकता है। सो ये हमने ऑप्शन चेन भी एनालाइज किया और चार्ट्स भी एनालाइज किया और उससे हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो दोस्तों हमने चार्ट्स को भी एनालाइज करके एक मेजर अप ट्रेंड दिख रहा है हमें चार्ट्स पे, बट जैसा कि मैंने आपको दोनों ही इंडिसेस पे बताया अपसाइड यहाँ से लिमिटेड दिख रहा है, वो बैंक निफ्टी में अपवर्ड चैनल है और निफ्टी में फिब रिट्रेसमेंट हमने जो किया उसकी वजह से, और एक राउंडिंग फिगर भी है 26,000 का। और हमने ऑप्शन चेन को भी एनालाइज किया और हमें ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके हमें बैंक निफ्टी में स्ट्रैडल्स ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं और निफ्टी में एक बहुत छोटा दायरा, एक बहुत सीमित दायरे में ट्रेडिंग हो रही है वो हमें दिख रहा है। अब इसके ना हम दो मतलब निकाल सकते हैं, इसका एक मतलब तो ऐसा हो सकता है कि बाजार में कंसोलिडेशन होगा, और एक उसका दूसरा मतलब है कि अगर ये जो छोटा सा दायरा है अगर वो टूटता है और वो कॉल राइटर या पुट राइटर जिस भी डायरेक्शन में वो टूटे, अगर वो राइटर भागना चालू करे तो वो शॉर्ट कवरिंग के वजह से जो रैली होगी ना वो एक बहुत बड़ा मूव देगी। और आप ये भी नोटिस कीजिएगा कि विक्स भी जैसे हमने डिस्कस किया बहुत लो है, तो अगर एक बड़ी मूव जो कॉल राइटर या पुट राइटर का पोजीशन चैलेंज होता है और उस समय अगर विक्स बढ़नी चालू होती है तो दैट वुड बी अ साइन फॉर अ वेरी बिग ट्रेंड एटलीस्ट फॉर दिस वीक।
तो हमें ना इस वीक थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा और वी नीड टू बी वॉचफुल के एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो आज का एनालिसिस आपको कैसे लगा वो आप मुझे बताइएगा, और ये एनालिसिस में मैं और क्या पॉइंट्स जोड़ सकता हूँ जिससे आपको एक मार्केट का पूरा दिशा मिले कि नेक्स्ट वीक में क्या ट्रेड कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा बताइएगा। देयरफॉर द रेंज फॉर निफ्टी दिस वीक इज 26,100 ऑन द अपसाइड टू 25,500 ऑन द डाउनसाइड। बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,000 टू 54,000 की रेंज मुझे दिख रही है, बट जैसा कि हमने देखा कि एक एक्सप्लोजिव मूव आ सकती है और अगर आई तो ये रेंजेस बहुत जल्दी से चैलेंज होगी, सो वी रियली नीड टू बी केयरफुल फॉर दिस वीक। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई तो मुझे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे मेरी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय सियाराम।